काले चने, दो प्याज, तीन टमाटर शामिल कर दूंगी इसमें मैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक एक टीस्पून नमक, लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और एक टेबलस्पून पिसा धनिया, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा गिलास पानी डाल के इसको मैं आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। चनों को आधे घंटे के लिए गलने के लिए रख देना है। आधे घंटे बाद मिलती हूँ मैं आपसे। चने मेरे हाफ गल गए हैं। अब इसको मैं ऐसे चम्मच हिला के तो प्याज और टमाटर को मेल्ट कर लूँगी और आधा कप घी डाल के इसको बहुत अच्छा सा भून लूँगी। घी मैंने शामिल कर लिया। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और हसबे ज़रूरत इसमें पानी डाल के तो दोबारा से इसको गलने के लिए छोड़ देना है। ये पूरी तरह भी गले नहीं है, इसको मैंने आधा गलाया है। चनों में मैंने आधा कप घी डाल दिया है और अब चम्मच को इस तरह हिला हिला के इसको बहुत अच्छा सा भून लेना है। आप भी घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कम पसंद है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती। और इस तरह चम्मच हिला के इसको जब भूनेंगे तो प्याज और टमाटर बहुत अच्छा सा इसमें मैश हो जाएगा। चने जब बहुत अच्छे से भून जाए तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत, जितना हमें चाहिए। मुझसे चावलों के साथ सर्व करना है इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं तकरीबन 3 गिलास पानी। और अब मैं इसको दम की आंच पे गलने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। जी, मेरा चने शोरबा बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च और इसको कर लूँगी डिश आउट। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।